पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भगवान कृष्ण मंदिर के निर्माण पर रोक लगाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इस मामले को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। दोनों देशों की राजनीतिक पार्टियों ने इसे धर्म का मुद्दा बनाकर नफरत की राजनीति की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले इस मंदिर को लेकर पूरा मामला क्या है वो समझ लीजिए। कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद के सेक्टर H92 में मंदिर के लिए ज़मीन दी, लेकिन मजहबी शिक्षा देने वाली संस्था जामिया अशरफिया मदरसा के एक मुफ्ती ने इसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। इतना ही नहीं, मंदिर का निर्माण रोकने के लिए एक वकील हाईकोर्ट तक पहुँच गए। आपको बता दें, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांसद लाल चंद माली, जो कि पाकिस्तान के मानवाधिकार मामलों के सांसदीय सचिव भी हैं, उन्हें मंदिर निर्माण के काम की निगरानी के लिए नियुक्त भी किया गया था। 20,000 स्क्वायर फीट की ये ज़मीन पर मंदिर बनाने के लिए इमरान खान के द्वारा 10 करोड़ रुपए देने की बात भी सामने आई थी, लेकिन डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद ने कोर्ट के सामने ये बात कही कि सरकार ने अभी तक मंदिर निर्माण के लिए कोई फंडिंग नहीं की है। हिंदू पंचायत इस जमीन पर विशाल परिसर बनाना चाहते हैं, जिसमें शानदार मंदिर, लंगर खाना, एक कम्युनिटी हॉल और रहने के लिए धर्मशाला हो। इस्लामाबाद के हिंदू पंचायतों में शामिल लोगों ने तो मंदिर का निर्माण का काम भी अपने पैसों से शुरू कर दिया था, लेकिन मंदिर बनाने को लेकर जामिया अशरफिया, जो कि एक देवबंदी इस्लामिक संस्था है, उन्होंने इस पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी। जामिया अशरफिया के मुताबिक इस्लामिक धर्म में नए मंदिरों को बनाने की इजाज़त इस्लाम में नहीं है। फिर इसके बाद ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया और अब हाई कोर्ट ने मंदिर के निर्माण रोकने वाले दायर याचिकाओं पर सुनवाई होने या न होने के बारे में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद ने कोर्ट में यह बात भी कह चुके हैं कि इस मंदिर के निर्माण को रुकवाने के लिए अदालत में अर्जी दायर करने वाले कदम से दुनिया में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू और पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने मंदिर निर्माण के खिलाफ क्या बोल चुके हैं, पहले वो सुन लीजिए। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था और इसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना न सिर्फ इस्लाम की रूह के खिलाफ है, बल्कि ये रियासत मदीना की भी तुहीन है। इतना ही नहीं, कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां पाकिस्तान के लोग मंदिर बनाने के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भारत में भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की नेशनल मीडिया और पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता इस मंदिर निर्माण के खिलाफ खड़े हैं। दोस्तों, ये जो अजान की आवाज आप सुन रहे हैं और ये आदमी जिस दीवार पे खड़े होकर अजान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, इसकी अजान से ठीक कुछ घंटे पहले ये एक मंदिर की नींव थी। इस्लामाबाद में पहली बार भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाया जा रहा था। इस्लाम के नाम पे आबाद होने वाली इस्लामाबाद में एक भी मंदिर नहीं है। पहली बार एक मंदिर बनाने की शुरुआत की गई और वो भी सत्ताधारी इमरान खान की पार्टी के अपने आदमी ने ये कहा कि एक मंदिर होना चाहिए, बहुत हिंदू यहाँ रहते हैं, लेकिन उसकी नींव को तोड़ दिया गया, सरकार के द्वारा तोड़ा गया और उसके ऊपर खड़े होकर अजान पढ़ी जा रही है। लाहौर की यूनिवर्सिटी के HOD का बयान आता है कि इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में कोई नया मस्जिद बन ही नहीं सकता, ये तो शरीयत के खिलाफ है। इस मंदिर को बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, सिर्फ इजाजत ही नहीं कि इन उल्टा ये कि हुकूमत जो है उसके ऊपर पैसे खर्च कर रही है, तो ये शरीयत इस्लामिया ने इसकी कतन इजाजत नहीं दी। वहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर और यहाँ तक कि मीडिया वाले, वहाँ के कई चैनल प्रॉपर कैंपेन चला रहे हैं, रोज दो दो घंटे की न्यूज दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में मंदिर कभी नहीं बनेगा। इसका अभियान वहाँ का नेशनल मीडिया, वहाँ की राष्ट्रीय राजनीति के बड़े बड़े नेतागण, वहाँ के यूनिवर्सिटी के तथा कथित इंटेलेक्चुअल लोग, ये वहाँ के सितारे, ये सब लोग मिलकर एक ही बात कह रहे हैं कि एक भी हिंदू मंदिर पाकिस्तान में नहीं बनेगा। जो बनाने की कोशिश हुई उसको तोड़ के खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान में लगभग 80 लाख हिंदू रहते हैं, वहीं इस्लामाबाद में लगभग हिंदू की मौजूदगी 3,000 से ज्यादा है।
आपको बता दें, इस्लामाबाद में इस मंदिर बनाए जाने की मांग काफी लंबे वक्त से की जा रही थी, जिसकी वजह से साल 2017 में ही ये जमीन हिंदू समिति को सौंपी गई थी, लेकिन प्रशासनिक वजहों से मंदिर का काम शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन फिर कुछ दिनों पहले जब काम की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान के कुछ लोग इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मंदिर निर्माण का ये काम फिर से थम चुका है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 24 के लिए।